हेलो गाइस, मैं हूं अमित और आप लोग सोच रहे हो कि भाई अनबॉक्सिंग की वीडियो में कहां आप खुले में आ गए। तो भैया वीडियो ही कुछ ऐसी है। देखो, हमने कुछ रिमोट कंट्रोल कार्स के ऊपर वीडियो बनाई है, हमने पंछी भी उड़ाया है रिमोट से, लेकिन यार अब आप लोगों की डिमांड कुछ ऐसी थी कि भैया कुछ अलग चीज़ दिखाओ जो रिमोट से ही चले। तो आज हम आपके लिए एक और भी ज़्यादा डिफरेंट और भी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ लेकर के आ गए हैं, जो कि है यहाँ पर आराम से यार काफी बड़े साइज का है। तो दोस्तों ये है एक एम्फीबियन टॉय। एम्फीबियन का मतलब पता है आपको, बायोलॉजी में पढ़ा होगा आपने, ऐसा जानवर जो कि जमीन पे और पानी में भी चलता है, जैसे कि मेंढक। मेंढक एक एम्फीबियन होता है। तो वैसे ही हमारा ये रिमोट कंट्रोल टॉय भी एम्फीबियन है, यानी कि ये रिमोट से चलता है जमीन पे और पानी में। तो देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर कैसा ये मिलता है और इसको चलाने में कितना मजा आता है, कैसी कैसी हरकत ये कर पाता है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक का बटन है वो दबा दो, और यार जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया कर लो सब्सक्राइब, प्लीज कर लो यार। दोस्तों ये जो एम्फीबियन रिमोट कंट्रोल टॉय है ये आता है इस बॉक्स के अंदर। यहाँ पर लिखा हुआ है एम्फीबियस स्टंट कार। यहाँ पर जो है कुछ फ्रेंड्स लोग जो है पीछे मस्ती कर रहे हैं, तो उसको आप कंसीडर मत कीजिएगा। कुत्ते यार बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं। चलो, तो ये हमारा जो बॉक्स है इसकी अगर बात करें तो अंदर यहाँ पर हमको जो टॉय है वो दिख रहा है, यहाँ पर एक ग्रीन और ब्लैक कलर में आता है, आपको निकाल के भी दिखाएंगे। यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, क्या लिखा है भैया, थ्रू स्नो ऑन लैंड इन वाटर, यानी कि ये बर्फ में भी चल सकता है, ये मिट्टी में भी चल सकता है, ये पानी में भी चल सकता है। रेंज इज 230 फीट है, 230 फीट तक रेडियो कंट्रोल काम करता है। एम्फीबियस स्टंट लिखा हुआ है, 3+ एजेस लिखा हुआ है, और यहाँ पर भैया और कुछ तो नहीं लिखा हुआ। दूसरी साइड की अगर बात करें तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, यहाँ पर है उधर देखो 3+ एज, और इधर 8 ईयर्स ओल्ड। देखो, नोट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन अंडर 8 ईयर्स। क्या भैया, वहाँ 3 लिख रखा है, यहाँ तुमने 8 लिख रखा है। चलो अब जो है बिना देरी किए फटाफट इसकी जो टेपिंग्स है उनको हटाते हैं। टेपिंग कहाँ है, टेपिंग यहाँ है। तो भाई बॉक्स खुल चुका है, आपके सामने आ गया है ये एम्फीबियन टॉय। और क्या बात है, पैकेजिंग तो काफी बढ़िया। देखो खोल ही लेते हैं यार, इसको निकालना तो है ही हमको बाहर। और यार एक बात माननी पड़ेगी, इसका कलर कॉम्बिनेशन काफी बढ़िया लग रहा है मेरे को। ये है इसका रिमोट कंट्रोलर, सबको काट काट के निकालना पड़ता है, ठीक है। और गाइज इसको चलाने के लिए पता हमारे पास उधर देखो पानी भी है, यहाँ जमीन है, पानी भी है, बस सिर्फ स्नो की कमी है, बर्फ की कमी है। तो यहाँ पर हमारे हाथ में आ गया ये एम्फीबियन टॉय। और आप लोग देखो कि यहाँ पर ये कुछ स्क्रू जैसी स्ट्रक्चर है, देखो जैसे स्क्रू होता है, जैसे पेंच कसते हैं, तो वैसा कुछ देखो। अरे यार ये देखो कुछ इस तरीके से घूमता है और बिल्कुल जैसे स्क्रू कसता है वैसे दिखता है, जो पेंच होता है ना देखो। और ये वाला भी ऐसे ही घूमता है। और यार सच्ची बताऊँ तो एक एकदम ही डिफरेंट सी इसकी जो है पूरी स्ट्रक्चर है, और ये चीज़ें भी ऐसे ऐसे मूव करती हैं, क्या बात है। इसका फ्रंट कौन सा, ये है, ये इसका फ्रंट है। तो अब जो है रिमोट कंट्रोलर में बैटरी डालते हैं, यहाँ पर जो एक स्क्रू लगा हुआ है और यहाँ पर इसके स्विचेस हैं, तो इसमें बैटरी डालते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बॉक्स के अंदर हमको ये दो चीज़ें और मिलती हैं, ये है इसका चार्जर छोटा सा, और ये है इसका बैटरी पैक। इसमें जो है 6 सेल्स हैं, और ये जो है यहाँ पर लगता है, इसका जो टॉप है ना यहाँ से ये खुलता है और इसमें ये जो है लग जाता है। लेकिन एक चीज़ बताऊँ आपको, इसका वेट काफ़ी है, ये काफ़ी भारी और काफ़ी सॉलिड सा फील होता है। तो यहाँ पर मैं बैटरी को इसमें कर देता हूँ कनेक्ट। तो भाई ये जो है ऑन कहाँ से होगा, इतना बड़ा ये रहा। देखो यहाँ पर इसमें एक छोटा सा ऑन ऑफ का स्विच है यहाँ पर, तो इसको मैं करता हूँ ऑन, और यहाँ पर जो है दो लाइट जल गई। यार बढ़िया काम हो गया, मेरे को थोड़ा डर लग रहा था कि अगर इसके अंदर बैटरी नहीं हुई, यानी कि बैटरी जो है उसके अंदर अगर पावर नहीं हुई, एनर्जी नहीं हुई, इसको चार्ज करना पड़ेगा तो क्या होगा। लेकिन यार थैंक गॉड कि ये जल रहा है। तो यहाँ पर इसको रखते हैं, कंट्रोलर में भी एक बटन है, इसको भी ऑन करते हैं। तो यहाँ पर भी देखो एक जल तो रहा है,
कैसे बुझ गई भाई बत्ती, अभी तो जल रही थी यार। ओए गाइस, यहाँ पर जो बत्ती है वो तो नहीं जल रही, लेकिन आप लोग देखो, अबे यार मस्त चीज है ये, देखो आगे कैसे चलता है। आपने एक चीज देखी कि इसके ये जो स्क्रू ऐसी चीज है ना, ये कुछ ऐसे घूमती है। नॉर्मली जो टायर हैं वो ऐसे घूमते हैं, गाड़ी आगे चलती है, लेकिन इसके ऐसे नहीं घूमते, इसके ऐसे घूमते हैं। देखना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। आगे चलाता हूँ इसको। अरे वाह, अबे कितना तगड़ा लग रहा है ये। ओ और देखो, अपने आप पानी की तरफ जा रहा है। नहीं, मैं भेज रहा हूँ तब जा रहा है। झटके क्यों मार रहा है भाई, क्या हुआ? बैटरी नहीं है क्या? क्या बात है, ऐसे तो काम कर रहा है, लेकिन गाइस यहाँ पर मुझे लगता है वही हो रहा है। देखो ये कैसे कर रहा है, इसमें मुझे लगता है कि बैटरी कम है, तो कोई ऑप्शन नहीं है, इसको जो है गाड़ी में थोड़ी देर चार्ज लगाते हैं और फिर आपको चला के दिखाते हैं। तो भाई हमने इसको लगभग आधा घंटा चार्ज किया है, शाम का टाइम हो गया है, और अब जो मैंने फिर से ऑन कर दिया, और इस बार जो इसकी लाइट है वो ज़्यादा पावर से जल रही है, तो अब देखते हैं कि ये कैसा चलता है आधा घंटा चार्ज होकर के। ओ वो तो भाई, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है एकदम बढ़िया से चलने लग गया। देखो इसको आगे पीछे, और मैं आपको चला के दिखाता हूँ। देखो ऐसे तो ये आगे भी चलता है, ये फॉरवर्ड है, ये इसका बैकवर्ड है। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा घास है तो उसमें ये फंस जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन अब देखना मज़ेदार पार्ट। ऐसे तो ये आगे पीछे चलता है, लेकिन अभी इसको साइडवेज चलाते हैं, ये देखो। क्या बात है, मतलब कि जो व्हील्स इस तरीके से घूमते हैं ना, एक ऐसे घूमता है, एक ऐसे घूमता है तो आगे चलता है या पीछे चलता है, और जब दोनों एक साइड में घूमते हैं तो साइडवेज चलता है। मतलब इन्हीं का यूज़ करके यार, गजब का किसी ने दिमाग लगाया इसमें। देखो, और अब जो है दोनों एक साथ घूमते हैं तो साइड में चलने लगता है, और एक जगह भी हम इसको देखो घुमा सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर जो है मैं कंट्रोलर के दोनों स्विचेस को दबा रहा हूँ। अगर मेरे को एक टायर घुमाना है तब मेरे को जैसे फॉरवर्ड और साइड का घुमाता हूँ तो देखो ये ऐसे घूमने लगता है, बैकवर्ड और लेफ्ट का घुमाता हूँ तो उल्टी साइड घूमने लगता है। तो अब जो है इसको भेजते हैं पानी में। ऐसे नहीं भेजते, अपने आप जाने दो यार, एम्फीबियन है, इतना तो करेगा। और ये गया भैया सीधा पानी में, है अबे इधर जा यार, घूम 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 घूम, चलो अब पानी में जाओ सीधे। तो गाइस यहाँ पर, ओ तेरी, चलो वो, अबे यार गाइस ये जो है देखो पानी में जा चुका है, और क्या बात है यार। आपको एक चीज बताऊं, जैसा ये जमीन पर चलता है उससे बढ़िया तो पानी में चल रहा है, देखो क्या बात है। देखो, अरे वाह, और यार इसका लुक देखो एक बार, कितना गदर, कितना खतरनाक सा लगता है। ऐसा लगता है कोई तगड़ा ही जानवर जो है वो इसमें चल रहा है, क्या बात है। गाइस सच्ची में इसको चलाने में बहुत मजा आ रहा है, और एकदम मतलब बिल्कुल प्रसाइज चलता है, और इतना मजेदार दिखता है, बस मजा आ गया यार इसमें तो। सही में आप खुद ही देख लो यार, मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं आपको। देखो यहाँ पर अगर साइडवेज चलाएं तो, अगर साइड में चलाते हैं तो ये घूमता है, क्योंकि दोनों जो स्क्रूज हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट पानी फेंकते हैं, चलता नहीं है। देखो चलाना है तो फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड करना पड़ेगा, और जिधर घुमाना है उसके ऑपोजिट साइड का बटन दबा दो। तो अब इसको जो है किनारे पर ले आते हैं, इसका लुक भी यार तगड़ा ही है। देखो आजा आजा आजा, तो भाई यहाँ पर जो हमारा कछुआ है या मेंढक है या जो भी आप इसको कहना चाहो, वो आ चुका है पानी से बाहर, एकदम लाइट है। देखो किस तरीके से जलती है, और यार सच्ची में इसको चलाने में काफ़ी मज़ा आता है। और भाई इसका हम जो है गिव अवे भी कर रहे हैं, तो आप जो है, आपको भी ये मिल सकता है। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप गिव में एंट्री कर सकते हैं। ज़रूरी चीज़ ये है कि आप हमारे चैनल द इंडियन अनबॉक्सर के सब्सक्राइबर होने चाहिए, तो अब भी सब्सक्राइब कर लो और गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लो, आप में से किसी एक को जो है ये मिलने वाला है। तो भैया मुझे तो ये काफ़ी मज़ेदार लगा, और अभी तक इसमें जो है पानी निकले जा रहा है। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो कितने का था ये जो है, काफ़ी टाइम कितने का था, लगभग
हाँ इतने का था लगभग, जो है 5,000-6,000 रुपये के आसपास में होगा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन काफ़ी दिन हो गए लिए हुए, लेकिन यार मुझे नहीं पता था इतना कमाल का है। तो भैया आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, अगर आया आपको मज़ा तो नीचे जो लाइक का बटन है वो जरूर से दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।